કેમ છો બધા મજામાં? આઈ હેવ રીચ ગુજરાત. જી, હું વડોદરામાં છું. And everybody, आप सब लोगों ने मुझे कहा है कि मुझे ज्यादा ट्रैवल करना चाहिए, अलग अलग किस्म का खाना दिखाना चाहिए. वैसे तो हम साथ में कश्मीर गए हैं, गोवा गए हैं, इंदौर गए हैं, लेकिन गुजरात अभी तक आए नहीं, इसलिए बड़ौदा आए हैं. कहते हैं बड़ौदा गुजरात का कल्चरल और हिस्टोरिकल कैपिटल है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या बड़ौदा या वडोदरा गुजरात का फूड कैपिटल भी है या नहीं. तो चलो साथ में निकलते हैं और वडोदरा का खाना चखते हैं और पूछते हैं कि खाने में क्या है. कहते हैं बड़ौदा में अगर उसल खानी है, सेव उसल, तो सिर्फ जय महाकाली सेव उसल की उसल खानी चाहिए. तो चलो जाते हैं और खाते हैं. आप कहोगे कि ये सेव उसल है क्या? मुझे नहीं पता, पहली बार खा रहा हूं, लेकिन आ जाओ मेरे साथ और खाते हैं सेव उसल. तो ये सब मिलाकर होती है जय महाकाली की सेव उसल. अभी ये जो सेव उसल है ना, ये जो महाराष्ट्र की मिसल है उसका चचेरा भाई है, क्योंकि बड़ौदा पे राज था मराठाओं का और यहाँ काफ़ी मराठी लोग रहते हैं और उनका इन्फ्लुएंस इसके खाने पर है. तो महाराष्ट्र जो मिसल है उसी का एक प्रकार है, सिर्फ फ़र्क है. मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ. पहले तो ये सेव महाराष्ट्र में ज़रा जाड़ा होता है, वो ज़्यादा करके फरसान यूज़ करते हैं. ये सेव है, हाँ. इसके अंदर जो चना जाता है, महाराष्ट्र में मटकी डालते हैं, यहाँ सफ़ेद वटाना जाता है, यानी वाइट पीज. यहाँ की मिसल हरे चटनी के साथ ही खानी चाहिए, क्योंकि इस चटनी में जो तीखापन और स्वाद है वो कुछ अलग ही है, इसलिए चटनी डालते हैं इसमें. नींबू पानी, तेल की तरी, हाँ हाँ, और भी कुछ इसमें है, सिर्फ तेल नहीं. इसका मसाला काफ़ी थिक रहता है, मिसल कैसी थोड़ी पतली रहती है, ये थिक रहता है. तो ये थोड़ा ये भी डाल रहा हूँ. और फिर ये रही जो ग्रेवी है, वही अगर ज़्यादा चाहिए तो डाल सकते हैं, ये एक्स्ट्रा देते हैं यहाँ. और पाँव के सेव भी डालते हैं, चलो. और पाँव के साथ खाते हैं और देखते हैं कि महाराष्ट्र की मिसल और बड़ौदा की उसल में क्या फर्क है. मैं महाराष्ट्र मिसल का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो अगर मुझे आप खुश करना चाहते हो तो मुझे कुछ अच्छा और अच्छा देने की ज़रूरत पड़ती है. ये तरी एकदम गले में जाती है, अगर आपको ऐसा खाना अच्छा लगता है तो. ये जो सेव है वो काफ़ी क्रिस्प, टेस्टी, फ्रेश है. और ये जो कॉम्बिनेशन है, यानी मिसल या उसल का, काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिश है. वाह, तो ये रही बड़ौदा की सबसे फेमस जय महाकाली सेव उसल. लेकिन एक और सेव उसल वाला है जो भी काफ़ी फेमस है, और मुझे कंपेयर करना है ये उसल और वो उसल. तो जाते हैं गुंजर के पास और उसकी भी ट्रेस करते हैं.
एक वो उसल थी और एक ये उसल है। कहते हैं जब बड़ोड़ा आओ तो घनश्याम भाई के हाथ की गुंजन सेव उसल खानी ही चाहिए। घनश्याम भाई नमस्ते। आपके सेव उसल में और जो बाकी मिलते हैं सेव उसल, उसमें फर्क क्या है? फर्क सर इसमें क्या, मसाला बिल्कुल मतलब तीखा, वो लौंगिया मिर्ची आती है सर। लौंगिया मिर्ची का। तो मैं अभी अभी सेव उसल खा के आया हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि अगर आपको तीखा मसालेदार सेव उसल खाना है तो गुंजन के पास आना चाहिए। तो आप एक मुझे बता दीजिए, बना दीजिए मेरे लिए और मैं खाऊंगा। और मुझे देखना है कि कैसे बनती है आपकी, क्या क्या चटनी जाती है, क्यों तीखी है इसे। तो अब खाते हैं गुंजन की सेव उसल। कहते हैं थोड़ी अलग है, ज्यादा तीखी है। मैं चखके देखने वाला हूँ और मुझे लगता है कि मुझे इसमें ऑलरेडी थोड़ी और सेव चाहिए, क्योंकि मुझे ये सेव बहुत पसंद है। थोड़ा मिक्स करते हैं और इससे पहले कि मैं ये चटनी इसमें डालूं, मैं थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ। ऐसे ही मत खाओ चटनी, मिक्स करके खाना। ये जो ऊपर का तेल जो है वो चाहिए ही, क्योंकि तेल ही स्वाद को आगे ले जाता है। सॉफ्ट क्रिस्पी तीखा नमकीन नींबू, जिनको महाराष्ट्र की मिसल पसंद आएगी उनको ये गुजरात की सेव उसल जरूर पसंद आएगी। और ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसे मिसल पसंद नहीं। क्यों, बराबर है कि नहीं? तीखा तीखा, बहुत तीखा। महाकाली की उसल तीखी थी और गुंजन की तीखी और बहुत टेस्टी थी। अब इतना तीखा हो गया कि कुछ मीठा हो जाए। मैंने सुना है बड़ौदा में पेड़ा बहुत अच्छा बनता है, तो ढूंढते हैं पेड़ा। मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ क्योंकि ये जो दुलीराम रतनलाल शर्मा की पेड़े की जो दुकान है, वहाँ फ्रेश गरम गरम पेड़ा बन रहा है। जैसे गरम पेड़ा निकलेगा मैं झपक कर से खाने वाला हूँ। अभी इस पेड़े की स्पेशलिटी क्या है? ये मथुरा का जो पेड़ा होता है ना, ब्राउन कलर का पेड़ा जिसके ऊपर शक्कर डाली जाती है, वो इस किस्म का पेड़ा है जो इन्होंने यहाँ बड़ौदा में आकर फेमस किया है। तो रुकता हूँ और जैसे अब भी आ रहा है पेड़ा, पेंडा वाला दुलीराम रतनलाल और उनके पेड़े, मथुरा के पेड़े। इतना सारा तीखा तीखा खाने के बाद मैं अभी यहाँ आराम से बैठकर ये पूरा डब्बा खा जाने वाला हूँ। देखना चाहते हो? अब देख पाए आपके मुंह में जरूर पानी आएगा। जो बर्न्ट मावे का जो स्वाद है जिससे ये ब्राउन हो जाता है, ब्यूटीफुल। और ऊपर से वो जो शक्कर लगी हुई है, आखिर का पेंडा। अगर आप मुझे पूछोगे कि इसमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या लगा, तो जैसे मैंने कहा था, जले हुए दूध और मावे का स्वाद और इलायची और शक्कर।
अब क्या खाना है? पागल हो गया? तीखा। अच्छा चलो तीखा, कुछ चलो थोड़ा नमकीन हो जाए, पेड़े के बाजू में ही सो जाता हूँ। उठो भाई साहब। हाँ तीखा खाओ या तीखा खाओ? ये क्या? अरे समोसा खाओ। समोसा? हाँ समोसा या गुपचुप है। अच्छा अरे वाह, और इसके साथ ये क्या है? ये एक गुपचुप है, गुपचुप छेना का मिठाई है। गुपचुप और समोसा, चलो मीठा हो गया, अभी वापिस तीखा खाते हैं। वाह, अंदर आलू है, बहुत सारा जीरा है, मिर्ची भी है, तो ये समोसा बहुत अच्छा है। मेरा आज का दिन ऐसे ही जा रहा है, तीखा मीठा तीखा मीठा तीखा मीठा। तीखा खाने के बाद गुपचुप, यानी छेना का बनाया हुआ है और ऊपर से कोकोनट डाला है, अंदर रसगुल्ला है बंगाली स्वीट जैसा। देखो अभी इस समोसे को खाके मुझे याद आया कि बड़ौदा में एक और भी किस्म का समोसा मिलता है जिसे कहते हैं पट्टी समोसा। वेजिटेरियन ही है लेकिन उसका स्टाइल ही कुछ अलग है। चलो पट्टी समोसा भी देखते हैं। एक वो समोसा था, अब एक ये समोसा है, ये पट्टी वाला समोसा है। और यहाँ काफ़ी वैरायटीज मिलते हैं, लेकिन मैंने तीन वैरायटीज चूज़ किए हैं क्योंकि मुझे लगा ये खाना चाहिए करके। पहले तो मैंने ये अनियन पटेटो समोसा, फिर पनीर का समोसा, और ये स्वामी नारायण समोसा है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये स्वामी नारायण समोसे के अंदर क्या है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये आलू है अंदर, लेकिन इसमें प्याज नहीं। अच्छा है लेकिन वो थोड़ा ज्यादा ही शुद्ध है, इसलिए प्याज वाला ही खाते हैं। अब आ गया मजा, प्याज आलू पट्टी का समोसा, पनीर वाला समोसा जिसके अंदर पनीर है, देखते हैं इसको। पंजाबी समोसा और पट्टी समोसों का फर्क सबसे ज्यादा उसका आउटर कवरिंग होता है, ये कवरिंग क्रिस्प लेयर्ड रहता है। और मुझे एक्चुअली ये समोसा ज़्यादा पसंद है। और ये समोसा टेस्ट करोगे तो आउटर लेयर जो होता है ये क्रिस्प होना चाहिए, लेकिन फ्लेकी पैटिस के जैसे नहीं होना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। खमन खमणी અને પાત્રા પૂરી થઈ ગઈ ખાવાની જાત્રા, મીનિંગ વી કેનોટ કમ્પ્લીટ આર ટ્રીપ ટુ બરોડા ઓર ટુ ગુજરાત વિદાઉટ ટ્રાઇંગ ખમણ ઓર ખમણી. ધીસ ઇઝ ખમણી. આઈ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ખમણી બીકોઝ ઇટ્સ લાઈક અ ઢોકલા વિચ ઇઝ બીન ક્રશ્ડ એન્ડ ધેન સેવ ઇઝ એડિડ ટુ ઇટ, પોમગ્રેનેટ સીડ્સ હેવ બીન એડિડ ટુ ઇટ, મસાલા હેઝ બીન એડિડ ટુ ઇટ, જીરા હેઝ બીન એડિડ ટુ ઇટ, સિંગદાના હેઝ બીન એડિડ ટુ ઇટ, સોંફ હેઝ બીન એડિડ ટુ ઇટ, લોટ્સ ઓફ થિંગ્સ, બટ ઇટ મેક્સ અ રિયલી નાઇસ. દેખો અજીબી ચીજ હૈ,
बहुत टेस्टी है। ये ढोकले का भाई है खमनी। अब खांडवी, जो गुजरात और मुंबई में रहते हैं उन्हें खांडवी बिल्कुल जानते हैं वो लोग। खांडवी जो है वो बेसन से बनती है, बहुत पतले लेयर्स होते हैं, फिर वो रोल हो जाती है ऐसे पैनकेक जैसे। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही सिंपल। दो किस्म का ढोकला, एक नॉर्मल ढोकला और ये कुछ मसाला वसाला डाल के बनाया हुआ है। पतरेल, इसे मराठी में पातवड़ भी कहते हैं, लेकिन ये गुजराती पतरेल थोड़ी अलग होती है। इसमें सेसमी सीड्स हैं, उसमें फगार ऊपर से डाला जाता है और थोड़ा मीठा थोड़ा तीखा, पत्तों में बेसन डाल के स्टीम करके फिर तेल का वगार डाला है उस पर। और ये मैं क्यों खा रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन गुजरात में और बड़ौदा में आकर हर चीज़ में चीज़ डालते हैं, ठीक है, ये कुछ चीज़ का कुछ है। चीज़ और कॉर्न या कुछ है, अच्छी है, टेस्टी है। और मुझे चॉइस दिया था कि छाछ पियोगे या लस्सी, तो मैंने पूछा कि ज़्यादा हेल्दी क्या होता है, छाछ या लस्सी, तो लोगों ने कहा कि छाछ ज़्यादा हेल्दी होता है, तो मैंने चूज़ किया लस्सी। और ये दो किस्म की लस्सी है, एक पाइनएप्पल लस्सी है, एक मैंगो लस्सी है। पाइनएप्पल लस्सी में पाइनएप्पल भी है देखो, और ये एक ऐसी लस्सी है जो ग्लास से नहीं चमचे से पी के खाई जाती है। टू गुड, बहुत हो गया ना, अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, लेकिन शाम बाकी है, रात बाकी है, खाना भी बाकी है। खाना खाया कि रात हो गई। एक जगह जो काफी फेमस है और यहाँ बड़े बड़े लोग भी आकर खाते हैं, नाम है श्रीराम टमटम वाला। और अगर आपने पूछा कि टमटम क्या होता है, अंदर आइए और देखिए ये टमटम क्या होता है, चलो। करके देता हूँ, ये है राजू भाई गुप्ता, करेक्ट। और आपका जो ये श्रीराम टमटम वाला जो है वो वर्ल्ड फेमस हो गया है। सही बात है ना। लेकिन ये शुरुआत आप कहते हैं कि 1947 में हुई है, किसने शुरुआत की इसकी? शुरुआत मेरे पिताजी ने किया। ओके, 1947 ये मेरे पिताजी है। नमस्ते। और पहले में मेरे पिताजी माथे पे खुंचा लेके हर मोहल्लों में घूमे, और उन्होंने उनका एक यूनिक आवाज था, तो लोगों को हर गली में जाते थे तो उनको प्रेम से भैया जी करके बुलाते थे, क्योंकि हम लोग यूपी के, तो वो लोग हमको इतना प्यार से बुलाते थे मेरे पिताजी को, अरे अरे भैया जी आ गए। उस टाइम पे वो खुंचा था, तो मेरे पिताजी उस टाइम पे उस खुंचे पे 25-25 पैसे का पैकेट बांधते थे। फिर धीरे धीरे करके लोगों को विश्वास हो गया, लोगों का ऐसा पता चला कि भाई ये खुंचा वाला है पर लेकिन बहुत अच्छी आइटम खिलाता है। तो फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने लारी की और ये जमाया हुआ उनका ही है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने उन्होंने लारी की शुरुआत की, फिर धीरे धीरे हमने ये दुकान तैयार किया।
और आज हम वर्ल्ड फेमस है। टमटम का मतलब क्या है? टमटम का वो मेरे पिताजी की एक यादगिरी में उन्होंने एक नाम दिया। अच्छा, उसने डिसाइड किया इसको, ये जो मिक्सचर है पूरा, मिक्सचर है ये, जब ये जो मिक्स बनता है ना वो टमटम का उन्होंने ही ये नाम रखा। तो मैं खाना चाहता हूँ आपका टमटम, और वो आप मुझे बता के बना के दीजिए जो सब फेमस लोग आपके यहाँ आकर खाते हैं। अब देखो ये पांच तरह का मिक्सचर है टमटम। ये चिवड़ा है, फिर ये मीठी बूंदी है, और ये मूंगफली है, और ये चना चोर गरम है, वटाना है, मसूर है, मोग है, चकली है। गुजरात में इसको चकली बोलते हैं। ये गांठिया है लेकिन चकली बोलते हैं इसको गुजरात में। उसके बाद ये भजिया सिंह है, मकई का चिवड़ा है, चने की दाल है, मुरे है, पापड़ी है, और ये लहसुन का सेव है, नींबू मरी सेव है, ये फीका सेव है, और ये तीखा सेव है। तो ऐसे 26 प्रकार के आइटम, ये फूल ये फुलवाड़ी भी है, ये 26 प्रकार का आइटम मिक्स करते हैं हम लोग, और उसके अंदर ये गरम मसाला, मिर्ची, इसको हम लोग मिक्स करते हैं। उसके बाद ये मेरा प्याज, ये आम, और ये अंगूर अनार, और ये धनिया, वाह, और एक आइटम इसमें भी है लीम। ये इस तरह लोग मिक्स करके यहाँ खाते हैं। हमारे क्रिकेटर है अतुल बेदाड़े, वो अतुल बेदाड़े मेरे यहाँ से आते हैं कि भाई आज सचिन के घर जा रहा हूँ, उनकी मिसेज गुजराती है, तो वो बोलते हैं कि उनके लिए वो टमटम पैकेट दे दो, ये पैकेट जाता है मेरा। हाँ, हाँ। सचिन के वहाँ जाता है। अब मैं भी टेस्ट करता हूँ ये टमटम। हाँ, ब्यूटीफुल लग तो रहा है, फैंटास्टिक। थोड़ा मिक्स करते हैं इसको। अब मुझे समझ में आती है लोगों को ये क्यों पसंद है। अरे इतने स्वाद है इसमें, इतने अलग अलग स्वाद है। पहले तो सब वो अलग अलग किस्म के चूड़े का स्वाद है, तीखा, मीठा, नमकीन, क्रिस्पी, सॉल्टी, प्याज, कच्चा आम, अंगूर, ओफ वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अभी मैंने इनको रोक के रखा है तो इनके लिए भी आप बनाओ। अब आपका जो ऑर्डर है, धंधा नहीं खराब। कितने साल से? 30 साल से। तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा बड़ौदा को, चमटम खाए बिगड़ जाऊँगा नहीं, जरूर। राजू भाई, हाँ, मज़ा आ गया। आपको भी मज़ा आया होगा ही, गुजरात का मज़ेदार टमटम। थोड़ा में स्ट्रीट फूड का बहुत सारा कल्चर है, लेकिन 12 बजे के बाद सब स्टॉल्स बंद हो जाते हैं। जब बाकी के स्टॉल्स बंद हो जाते हैं तो यहाँ जहाँ मैं आया हूँ वो खुल जाता है। आप अगर देखना चाहते हो तो ये है रात्रि बाजार। यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत चमकते हुए लाइट्स हैं, और अलग अलग किस्म का खाना मिलता है यहाँ। तो चलो हम आए हैं यहाँ बिरयानी ट्राई करते हैं ना। यहाँ बिरयानी मिलती है, वेजिटेरियन है लेकिन अच्छी है, ऐसे लोग कहते हैं मटका बिरयानी। तो चलो मटका बिरयानी खाते हैं। अरे वाह, तो ये आ गई मेरी बिरयानी। इसे कहते हैं मारवाड़ी मटका बिरयानी। लेकिन आपको सिर्फ बिरयानी दिखानी है या मुझे भी दिखाना है? भैया थोड़ा हमें भी थोड़ा सा कुछ फुटेज दीजिए, थोड़ा कैमरा ऊपर हो जाएगा तो हम दोनों दिखेंगे। हाँ अभी कैसे हुआ, बिरयानी भी है, मैं भी हूँ, पिक्चर कंप्लीट हो गई। तो बिरयानी होती है, यह है प्योर वेजिटेरियन,
और आपने देखा ये कैसी बनती है, इसमें काफ़ी प्याज जाता है, चीज़ जाता है, मसाले जाते हैं और क्या क्या जाता है अभी खा के चेक करता हूँ। ये कैसे ऐसे अरे इसके में कौन भी है, इसे नीचे अंदर तक नीचे तक जाऊंगा तो देखो क्या है इसमें। आहा वाह, हाँ, तो एक प्याज और मसालों से बनाई हुई ग्रेवी है जो एंड में नीचे है, देखो आप ये, और फिर थोड़ी सब्जियाँ हैं, चीज़ है, कॉर्न है, मैं ऐसे ऐसे मिक्स करता हूँ और इसे खाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो तला हुआ प्याज है इसमें, उसमें से ज़्यादा फ्लेवर आती है। अब आप मुझे पूछोगे कि बड़ौदा आ रहे हो, बिरयानी दिखा रहे हो, लेकिन क्यों नहीं, क्योंकि ये भी ये बड़ौदा का कल्चर है। ये जो मारवाड़ी मटका बिरयानी है, यहाँ का एक इंडक कल्चर है जो सब आप देखोगे मेरे पीछे, बहुत लोग यहाँ आकर बिरयानी खाते हैं रात को देर, और ये वही मैं भी कर रहा हूँ क्योंकि दिन भर बहुत खाया है, खाते खाते रात हो गई, सब दुकानें बंद हो गई लेकिन भूख नहीं गई, तो फिर आखिर में मैं यहाँ और ये मैंने बिरयानी ऑर्डर करके मैं आराम से बैठकर ये बिरयानी खाने वाला हूँ। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो आप बिरयानी खाइए, लेकिन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। सब वेजिटेरियन है, सब तेरे टाइप का है खाना? अंडा खाया क्या? अंडा नहीं, नहीं, नहीं? नो अंडा, यूजलेस। जस्ट बिकॉज मैंने कहा कि पूरा दिन खाने वाला हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं होता कि ब्रेक नहीं लूँगा, लूँगा ब्रेक। और ब्रेक के लिए खाने में क्या है रे? अब क्या खाना है? पागल हो क्या? तीखा। अच्छा चलो तीखा, कुछ चलो थोड़ा नमकीन हो जाए। और ये है मेरी फेवरेट पतरेल। ऑल टॉकिंग लाउडली, आस्ता यू आर टॉकिंग द मोस्ट ऑफ कैमरा।